गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा, जल संरक्षण है आज की आवश्यकता। हमें सतह के पानी के प्रयोग के साथ साथ बरसात के पानी को संचय करने की है जरूरत। एंसेफ्लाइटिस एवं विषाणु जनित रोगों के प्रति बरते विशेष सावधानी, लापरवाही करने वाले भुगतेंगे दंड। सीएम योगी ने अस्पतालों में साफ सफाई और स्वच्छ पेयजल को लेकर विशेष सावधानी बरतने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आजादी के बाद पहली बार 70,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का किया गया बकाया भुगतान। सभी किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था की, ताकि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े किसानों को। सपा बसपा की सरकारों में किसानों को 1 क्विंटल गेहूं का बमुश्किल मिल पाता था 900 रुपए, लेकिन आज हमारी सरकार 1 क्विंटल गेहूं का देती है 1,860 रुपए। रजही मार्ग व ग्राम रजही वाया बुढ़िया माता मंदिर मार्ग पर 89 लाख की लागत से बनी 1300 मीटर इंटरलॉकिंग सड़क का सीएम योगी ने किया लोकार्पण। बुढ़िया माई मंदिर स्थित पोखरे की सफाई, कहा बरसात के जल का करना होगा संरक्षण। फर्जी क्राइम ब्रांच व पुलिस अधिकारी बनकर लोगों से धन उगाही करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। एसपी क्राइम ने कहा, फर्जी नियुक्ति भी करते थे शातिर अपराधी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय गोरखपुर 2010 बेड वाले महिला छात्रावास एवं प्रशासनिक भवन का किया शिलान्यास, किया 4 विभागों का शुभारंभ। लूट की 48 लाख की सुपारी के साथ 2 अभियुक्तों को बड़हलगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने किया खुलासा। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस लाइन में महिला रिक्रूट द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली, लोगों को किया दुर्घटना के कारणों के प्रति सचेत। एसएसपी ने कहा, सुरक्षित जीवन के लिए करें ट्रैफिक नियमों का पालन, नशे की हालत में न चलाएं वाहन। और शनिवार को रिमझिम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, लोगों को मिली गर्मी और उमस से राहत। आसमान पर रहा बादलों का पहरा, नहीं हुए सूर्यदेव के दर्शन।